ओके, सो हम करने वाले हैं पेपर डिस्कशन। 31 का है दिसंबर का, मतलब एक साल पुराना पेपर है ये। एक साल पुराना है ना? यस ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में हमारे एक्सेलरेशन दो टाइप के होते थे। रिवाइज करवा देते हैं एक बार। एक्सेलरेशन दो टाइप के होते थे। एक क्या था, क्या होता था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन होता था, तो मेरा जो रेडियल एक्सेलरेशन होता था, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, को रेडियल को ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे, वो तो होता था, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता था, क्योंकि मेरी स्पीड क्या होती थी? कांस्टेंट होती थी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता था, स्पीड कांस्टेंट होती थी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती थी। वेलोसिटी चेंज हो रही, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से। वेलोसिटी क्या है? मेरी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये हर टाइम पे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जब सर्कुलर मोशन में घूम रही थी तो वेलोसिटी चेंज होती थी, स्पीड चेंज नहीं होती थी। जिसकी स्पीड चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो वहां पर मेरा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई आर अपॉन वी। इसको तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, 2 पाई आर को। तो अब आप समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था? वेलोसिटी चेंज होती थी, स्पीड भी चेंज होती थी। वेलोसिटी पहले भी चेंज हो रही थी, अभी स्पीड भी चेंज हो रही है। ना तो स्पीड कांस्टेंट है, ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही एक्सिलरेशन कांस्टेंट। तीनों चीजें अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारा एक फॉर्मूला होता, हमारा दो टाइप के एक्सिलरेशन होते। एक होता था टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, इसको बोलते हैं ET, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। और एक होता था हमारा क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था वो सेम होता था वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था वो dv/dt होता था, dv/dt होता था। जो नेट एक्सेलरेशन होता था वो दोनों का वेक्टर सम होता था। दोनों का क्या होता था? वेक्टर सम होता था। ये क्या है? मेरा AC है प्लस AT, दोनों का वेक्टर सम होता था। अरे बात समझ में? ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया आपको सर्कुलर मोशन को। और एक और कॉन्सेप्ट होता था बकलिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड में क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा मोड़ जो होती है, मोड़ जब हम मुड़ते हैं तो वहां पर रोड कुछ ऐसी टेढ़ी बनाई जाती है इस टाइप, थोड़ी सी आपको दिखाई नहीं देगी पर थोड़ी सी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ी सी, जिस साइड से ऐसे मुड़ रहे हैं ना तो ये वाली साइड थोड़ी ऊंची होगी, ये वाली साइड थोड़ी नीची होगी, ऐसे मुड़ते हैं तो वो होती क्यों है? जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये गाड़ी है, इसका MG नीचे की तरफ लग रहा है तो हमारा फ्रिक्शन की लिए वजह से होती है। जैसे फ्रिक्शन में हमारा किधर लगता है? आउटवर्ड लगता है उस टाइम पे फ्रिक्शन। अगर मान लो नहीं सॉरी, गाड़ी मेरी आउटवर्ड जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गाड़ी आउटवर्ड जाती है, क्योंकि जब हम मुड़ते हैं तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है ना, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है, उसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगता है, तो उसके अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब फ्रिक्शन फोर्स की कोई हेल्प करने आ जाए, एक हेल्प करने के लिए आ जाए कौन? रिएक्शन फोर्स। इसका एक कंपोनेंट आ जाता है हमारा इधर, इस डायरेक्शन। इसका एक कंपोनेंट आ जाता है हमारा इस डायरेक्शन। आ रही बात समझ में कुछ? यस सर, इसी की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता होता था यहां से, Vmax इक्वल टू RG tan थीटा, जहां पर थीटा क्या था? एंगल था। RG, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस रेडियस के उसमें सर्किल में रोटेट कर रही है हमारी कार, किस रेडियस के मोड़ पे, जो मोड़ होती है ना आपने देखा होगा कभी मोड़ पे, कभी ज्यादा स्पीड में ट्रक वगैरह जाते हैं वो पलट भी जाते हैं, पलट जाते हैं कि नहीं? कभी तो कभी मूवीज में देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा। यस तो मोड़ पे ये खतरनाक एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि बैंकिंग ऑफ द रोड से, बैंकिंग ऑफ द रोड की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स उन पर आउटवर्ड लगता है, डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स उतना लग नहीं पाता, इस वजह से वो पलट जाता है। मैक्सिमम स्पीड हम कितनी रख सकते हैं वो फॉर्मूला होता है RG tan थीटा। देखो टेन थीटा आपको याद हो, एंगल ऑफ रिपोज के टाइम पे मैंने बताया था म्यू इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह म्यू भी यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में म्यू दिया है तो अंडर रूट में म्यू RG कर दो, या फिर अगर म्यू नहीं दिया है, थीटा दिया है, तो अंडर रूट में RG tan थीटा कर दो। ठीक है,
सर इस पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है? सर कौन सा बेटा? इस पे एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रही है? एक्स्ट्रा फोर्स मतलब? जैसे गाड़ी मोड़ रही है तो सर फ्रिक्शन से भी सर देखो, फोर्स लग रही है सर। गाड़ी मोड़ते हैं तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। अगर मेरी बैंकिंग ऑफ द रोड है, अगर मेरी मुड़ी हुई है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे आएगा। नॉर्मल रिएक्शन रहता है, एमजी मेरा ऐसे काम करेगा, एमजी। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके ये वाला एंगल थीटा होगा, होगा कि नहीं? जो फ्रिक्शन फोर्स है, हम इसको कैसे किए? इस फ्रिक्शन फोर्स को नॉर्मल में तोड़े हैं। एक्चुअली में इस फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट किए हैं, एक इधर और एक इसके इसके डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट की, जो हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो लग रहा था, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? एफ कॉस थीटा। और इधर कौन सा आएगा? एफ साइन थीटा। आएगा कि नहीं? तो एक्चुअली में ये जो वेट वेट का वेट को बढ़ाने में एक और कंपोनेंट आ जाता है। जैसे पहले ओनली एमजी लग रहा था, अब क्या आ गया? एफ साइन थीटा भी आ गया इसकी हेल्प करने के। तो गाड़ी जल्दी नहीं पलटती है। चलो मैं ना एक काम करूंगा कि आपको दोनों बैचेस को एक वीडियो दिखाऊंगा बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है? आज पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड पे एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो से थोड़ा और विजुअलिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो हम अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बॉडी एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन हैज एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर। थोड़ा सा फास्ट करते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस को, जिससे कि हम सारे क्वेश्चन कर पाए। देखो अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है भाई? एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, द वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स एक्सिलरेशन वेक्टर क्या होते हैं? देखो किसी भी टाइम पे, अगर मैं बोलूं किसी भी टाइम पे, अगर मेरी बॉडी, उसने ये नहीं बताया कि कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, अगर मेरा यूसीएम होता, तो मेरा एसी ऐसे लगता, वेलोसिटी ऐसे लगता यूसीएम में। और अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूसीएम होता, तो मेरा एसी तो ऐसे लगता और एटी ऐसे लगता और वी भी ऐसे लगता, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आता। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, तो क्या होगा भाई? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ बता नहीं सकते ना। अलोंग द सेम डायरेक्शन भी नहीं बोल सकते हम, अपोजिट भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल टू इच अदर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने मोशन का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस बोलो। सर, अच्छो आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा यस सा फास्ट करो सर, बच्चे, थोड़ा सा फास्ट करो, अदरवाइज क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे हमारे, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अ स्टोन टू एन एंड ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ इज वील्ड, कौन सा पेन पकड़ लिया मैंने, इज विल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल विद कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे करके घूम रही है। इट इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, वॉट इज द मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। अब देखो 22 रिवॉल्यूशन है, 22 रिवॉल्यूशन है कितने सेकेंड में? 44 सेकेंड में। और अच्छा एक बात बताओ, यहां से 22 रिवॉल्यूशन 44 सेकेंड में, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? अभी टाइम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता हाफ है? मंथ, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? एक चक्कर 22 में, 22 रिवॉल्यूशन में टाइम ले रहा है 44 सेकेंड। तो एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में कितना लेगा?
फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई 22 सेकेंड, यानी कि कितना, टू 2 सेकेंड लेगा कि नहीं टू लेगा? तो ये मेरा क्या आ गया, कैपिटल टी मेरा आ गया 2 सेकेंड। बोलो चमका। उसने पूछा क्या है, मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होता है भाई? अच्छा यहां से ओमेगा और निकाल लेते हैं। चलो ओमेगा क्या होता है, मेरा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ओवर टी होता है कि नहीं होता है? टू पाई ओवर टी, टू पाई टी क्या है मेरा, टू, टू से टू कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, पाई रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट स्पीड बोला है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कौन सी मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम है। यूसीएम में ओनली एक एक्सेलरेशन होता है, कौन सा बोलो, कौन सा होता है, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बोलो, या फिर इसको बोलो ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो ओमेगा हमें पता है कितना, पाई, पाई का स्क्वायर इनटू आर क्या है मेरा, आर उसने कितना दे रखा है, 1 मीटर, 1 मीटर ही दे रखा है ना, है भाई? अरे वन यस मीटर ही है ना रेडियस, स्ट्रिंग जितनी लंबी रस्सी होगी वही ना रेडियस होगी, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, देखो हमारा जो एक्सेलेरेशन होता था तो वो अलोंग द क्या होता था, अलोंग द भाई एसी हमेशा इसी ऐसे ही तो होता था, इस टाइम इस जगह पे होगा तो हमारा एसी ऐसे होता था, इस जगह पे होगा तो हमारा एसी ऐसे होता था, इस जगह पे होगा तो एसी ऐसे होता था, हमेशा अलोंग द रेडियस होता था भाई, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के भाई यहां से देखोगे इसकी डायरेक्शन, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो हमेशा देखोगे सेंटर की तरफ ही जा रहा है एक्सेलरेशन, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर द सेंटर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और चमका अब कौन सा क्वेश्चन है भाई यस आपका, अब है 3 हो गया, 4, क्वेश्चन नंबर 4। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द क्वांटिटी विच इज वेरिएबल इज, अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी मैंने बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है, देखो स्पीड मेरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है, होती है। वेलोसिटी यस क्या होती है, वेलोसिटी सर, कांस्टेंट नॉट नहीं होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। अच्छा एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। नॉट अब देखो अभी बताया था मैंने, देख लो दिखा दूं मैं, ये देखो स्पीड कांस्टेंट, सॉरी ये है यूसीएम, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, इसने बोला है, अच्छा स्पीड, स्पीड उसने बोला है विच क्वांटिटी इज वेरिएबल, वेरिएबल तो देखो स्पीड तो मेरी कांस्टेंट है तो ये तो वेरिएबल नहीं हो सकती। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे वी क्या होती है, स्पीड होती है, तो क्या अगर मेरी ये कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो क्या ये कांस्टेंट हो गया, स्पीड वेरिएबल होगी, ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, होगी कि नहीं बताओ, यस ये भी कांस्टेंट होगी, ये कांस्टेंट होगी तो उसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो मोमेंटम को याद हो, मोमेंटम मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। अब ये क्या है मेरी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मेरी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकती, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती तो मोमेंटम भी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बोलो चंका। यस सर, फोर्थ के बाद में क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द मास ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग क्या दे रखा है, इज टाइड, मास मास ऑफ द स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग, टाइड स्ट्रिंग, सॉरी
एड मास ऑफ द एक्स एक्सक्यूटिंग एक्सक्यूटिंग इन सर्कुलर मोशन इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेजुअली इनक्रीज. ये वर्ड देखो, ग्रेजुअली इनक्रीज कीपिंग सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्स्टेंट. कीपिंग सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्स्टेंट. एक बात बताओ मेरे को, उसने बोला है कि कोई मास है किसी रस्सी से लटका हुआ है, हम उसको घुमा रहे हैं, हाथ में हमारे में रस्सी पड़ी हुई है काफी सारी, धीमे धीमे उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, रस्सी की लेंथ, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कॉन्स्टेंट रखना है, उतना ही रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है कि नहीं होता है, बताओ. अब अगर मैं इस आर को इंक्रीज करूंगा और मुझे इसको क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है. इसको अगर कांस्टेंट रखना है तो मास को मैं बढ़ा नहीं सकता भाई, मास तो मेरा फिक्स है, एक ब्लॉक ले लिया तो मेरे पास एक वेलोसिटी ही बताए बची, तो वी हैव टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि अगर नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या, अगर मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो मजबूरन हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी. Yes or no? Yes. Yes, sir. समझ में? तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा वेलोसिटी विल इंक्रीज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अब क्या है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन देखो. अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 6.4. देखो पार्टिकल है जिसका मास कितना दे रखा है अभी, ठीक है, मास आपको दे रखा है 10 ग्राम को क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻³ kg, ठीक है. रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है मेरी 6.4 सेंटीमीटर. 6.4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मीटर में कन्वर्ट करो इसको, बोल दो 6.4 × 10⁻²⁰ मीटर. कोई दिक्कत किसी को, सर अगर हम 10³ ना लेकर 10 ले लेते सर, चल बन जाएगा. आवाज बेटा ना वरुण द्वारा बताओ सर, अगर 10³ ना लेकर सर अगर 10 लेंगे तो सर क्वेश्चन बन जाएगा. 10³ ना लेके क्या करें, 10 सर तो क्वेश्चन बन जाएगा. वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है. अरे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो. 10⁻³ ना लेके 10⁻²² ले लें तो क्वेश्चन बन जाएगा, यही पूछना चाह रहे हो क्या सर. 10 लेकर लेके बेटा, हमें SI यूनिट में आंसर चाहिए, सारी की सारी चीजें हमें SI यूनिट में लेनी पड़ेगी. SI यूनिट में आंसर चाहिए तो सारी की सारी चीजें SI यूनिट में लोगे, SI यूनिट में लो सारी की सारी चीजें. देखो अगर आप इसको ग्राम में लोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, आंसर सही नहीं आएगा. एनर्जी आपको जूल में दे रखी है. देखो कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है भाई. What is magnitude of this acceleration if kinetic energy of the particle become 8 × 10⁻⁴ J? Kinetic energy उसने कितनी दे दी? 8 × 10⁻⁴ J. ठीक है भाई. By the end of second revolution after the beginning of the motion, after the beginning of the motion उसने क्या बोला है? Beginning of the motion के बाद में, यानी कि दो revolution, number of revolution कितने? 2 revolution. अच्छा एक बात हो, 2 revolution और डिस्टेंस कितनी चलेगा, कितने डिस्टेंस चलेगा? अगर मैं बोलूं S इक्वल टू जो मेरी क्या होगा, 1 revolution में कितनी चलता था, 2π चलता है 1 revolution में, 2πr सॉरी, 1 revolution में 2πr चलेगा, 2 revolution में कितने चलेगा, 4π × r क्या है मेरा, 6.4 × 10⁻², यही ना, ये आर,
तो ये कितना आएगा, लमसम लमसम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा एस। तो इसको हम यूज में लेंगे अभी, तो पहले देखते हैं बिगनिंग। बिगनिंग मतलब तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी से कुछ निकाल निकलेगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी कितना 8 × 10⁻⁴। तो यहाँ क्या हाफ एमवी स्क्वायर इक्वल टू 8 × 10⁻⁴। एम कितना है मेरा, ये है भाई हाफ एम रख दो 10 × 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 8 × 10⁻⁴। यहां से वी निकाल देते हैं अपन लोग। अब अगर वी निकालोगे तो वी तो देखो क्या करूं, टू को इधर भेज दूं तो वी स्क्वायर, अच्छा इसको फाइव कर देते हैं, चलो फाइव हो गया। वी स्क्वायर इक्वल टू 8 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻³। माइनस के थ्री ऊपर जाएगा, क्या बचेगा प्लस के थ्री हो जाएगा, माइनस के वन पावर बचेगा ऊपर, तो वी स्क्वायर बचेगा 8/5 × 10⁻¹। माइनस के वन है पावर, तो ये इसको जब तो 0.8 कर दो ऊपर, 0.8 कर देता हूं, तो v इक्वल टू अंडर रूट में 0.8 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.4 मीटर/सेकंड वेलोसिटी आ गई। अब अगर वेलोसिटी आ गई तो हमें पूछा क्या है, एक्सीलरेशन पूछा है। एक्सीलरेशन कब पूछा है हमें, अब हमें देखो हमें पता है u पता है, स्टार्टिंग भी दे रहा है आफ्टर बिगिनिंग, मतलब u कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। v हमने निकाल लिया 0.4 मीटर/सेकंड और हमें s पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, s कितना है 0.8 मीटर। कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे मुझे एक्सीलरेशन आ जाए, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इनटू a इनटू s क्या 0.8। तो इसको सॉल्व करना है, 0.4 का स्क्वायर क्या होगा 0.16 इक्वल टू 1.6 इनटू a, तो a कितना आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 1.6, यही होगा होगा कि नहीं। अब जरा देखो a इक्वल टू, देखो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूँ 1.6 × 10⁻¹ तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 मीटर/सेकंड² इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, अब नाइन्थ के बाद में आपने क्वेश्चन दिया है टेंथ, टेंथ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, पढ़ना आएगा समय इसको। टेंथ क्वेश्चन हमारा थियोरेटिकल है, तो जरा ध्यान से, टू स्मॉल स्फीयर आर सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन अ रूफ विद स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ, दो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग्स, बोथ स्फीयर मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्किल, बोथ दोनों के दोनों ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहे हैं भाई, ठीक है। Then both sphere में move along circle have same horizontal plane। देखो बेटा एस जब length भले ही अलग अलग हो, दोनों को एक plane में move कराया जा सकता है। क्यों, देखो भाई अगर length ज्यादा है, जैसे मान लो इसमें से कोई भी एक वन मान लो, इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, इसकी length ज्यादा है, इसकी length कम है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इसको कम चलना पड़ेगा ना, और इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन आपको याद हो एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होनी चाहिए, तभी होगा ऐसा, तभी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, अदरवाइज एक क्या करेगा थोड़ा सा ऊंचा मूव कर, भाई ऐसे मूव कराओगे, ऐसे मूव कराओगे थोड़ा सा ऊंचा भी तो कर सकते, ये चाह रहा है एक ही प्लेन में, एक प्लेन में चाहता है, एक प्लेन में कब पॉसिबल है, जब दोनों की एंगुलर स्पीड सेम हो। अगर एंगुलर स्पीड अलग हो गई, देखो v इक्वल टू होता है मेरा r ओमेगा, अगर इसको ज्यादा चलना है तो इसका r भी तो ज्यादा है कि नहीं है, yes, sir। इस सेकंड वाले को ज्यादा चलना है, ज्यादा रेडियस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी, तो उसका r भी तो ज्यादा है, ओमेगा दोनों का सेम होना चाहिए, लीनियर वेलोसिटी दोनों की अलग हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन ओमेगा दोनों का सेम होना चाहिए सेम प्लेन के लिए। अब जरा स्टेटमेंट टू देख लो क्या कहना चाह रहा है, फॉर बोथ स्फीयर इन स्टेटमेंट वन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर एंगुलर स्पीड मस्ट बी सेम।
यही बोल रहा है कि भाई एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, और उसकी एक्सप्लेनेशन इन स्टेटमेंट भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसकी, स्टेटमेंट वन की। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है ऐसा, नहीं। फर्स्ट ही होगा आई थिंक। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बोले चमका, यस आवाज नहीं यस आई भाई। सर। ओके अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 हो गया, 13 है, 13। अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखो टर्न टेबल क्या होती है, टर्न टेबल होती है रोटेट कर, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा खाना खाने के लिए उस पर टेबल पे बर्तन रख दिए, कुछ चीजें रख दी अपना अलग होती है, एक टेबल के बीच में एक पार्ट होता है जिसमें परोसने वाली चीज होती है, वो धीमे धीमे घूमती है, ऐसे धीमे धीमे घूमती रहती है, जो जरूरत है वो अपने हिसाब से ले लेते हैं, जैसे कोई भी चीज में कोई भी सब्जी वगैरह कुछ भी हुआ वो अपने अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। तो टर्न टेबल होती है वो एक्चुअली में अपने बीच वाले पॉइंट सेंट्रोइड के अबाउट ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती। उस टर्न टेबल पे एक सिक्का रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, जितना टर्न टेबल से जितना मेरा सिक्का दूर रखा होगा क्या उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वी इक्वल टू क्या है मेरा, आर ओमेगा है कि नहीं है, बोलो यस सर। भाई उतना ही ज्यादा है ना, तो वी इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा। तो अगर मैं देखूं अ कॉइन इज प्लेस रोटेटिंग ऑन टर्न टेबल जस्ट स्लिप, जस्ट स्लिप कर रहा है, जस्ट क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। अब जस्ट स्लिप कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो मेरा किसके इक्वल है, सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल, क्योंकि वो जब मूव करेगा स्लिप करेगा तो किसकी वजह से स्लिप करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। और उसको रोक के कौन रख रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, प्लेस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल्ड देन इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो क्या करेगा, जैसे ही एंगुलर स्पीड को अगर मैं डबल कर दूं तो किस डिस्टेंस पे उसको रखूं जिससे कि वो सिक्का गिरे ना, वो सिक्का गिरे ना। तो आप देखो थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि ऐसे कोई टेबल घूम रही है उस पर मैंने 4 सेंटीमीटर पर पहले रखा हुआ है, तब उसके ऊपर कोई फोर्स वेलोसिटी होगी उसकी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंटीपेटल फोर्स लग रहा होगा आउटसाइड में और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इनर साइड में, तो उसको वो फ्रिक्शन फोर्स रोक के रखा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप टर्न टेबल की स्पीड डबल कर दोगे तो आपको सक्के को सेंटर के पास लाना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ जाएगा तो रेडियस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोक उतना ही सकता है, टेबल और सिक्के के बीच में फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टर्न टेबल एंड क्या सिक्का कॉइन किसके इक्वल होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के, होगा कि नहीं होगा। यस यस सर। और जो फर्स्ट केस में होगा, जब मेरी फर्स्ट केस में थी, जैसे फर्स्ट केस, केस वन को पे क्या है मेरा आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, आर वन बोल दो, और केस टू में क्या है भाई, केस टू में उसने आर टू पूछा है कि किस रेडियस पे रखूं मैं जिससे ये भागे ना, तो दूसरे केस में भी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है वो, भाई सिक्के और टर्न टेबल के बीच में दोनों के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सेम रहेगा, तो उतना ही मेरा क्या होगा, एफ सी टू भी होगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, सर ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सॉरी सेंटीपेटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, चलो ठीक है इससे बता देता हूँ, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, मुझे ओमेगा के टर्म में चाहिए, मान लो ओमेगा में चाहिए, क्योंकि हमारी बात हो रही है एंगुलर स्पीड के बारे में, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मेरी जो ओमेगा टू है मेरे टू ओमेगा वन है, उसने बोला है देखो इफ एंगुलर स्पीड इज ऑफ द टर्न टेबल इज डबल्ड,
एंगुलर स्पीड को, यानी कि ओमेगा टू को उसने क्या कर दिया, टू ओमेगा वन कर दिया, तो मुझे ओमेगा के टर्म में चाहिए, तो वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, उसका लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, तो देखो इस आर से ये कैंसिल हो गया, तो मेरा एफ सी जो है वो क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते एफ सी को, yes, तो हम यहीं से क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें, तो देखो एम आर वन ओमेगा वन का स्क्वायर इक्वल टू एम आर टू ओमेगा टू का स्क्वायर, तो एम तो कैंसिल है, आर वन मेरे को दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लेंगे, ले लें 4 सेंटीमीटर में, चलो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर है ना, इधर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू ओमेगा वन क्या है भाई, ओमेगा वन क्या है, ओमेगा वन ही रहने दो, क्योंकि ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा वन दिया है ना, ओमेगा वन का स्क्वायर इक्वल टू आर टू इंटू ओमेगा टू क्या है मेरा, टू ओमेगा वन का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे 4 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर टू इंटू 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो देखो ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल हो गया, तो इधर 4 है इधर 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरा आर टू क्या आया, 1 सेंटीमीटर, इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोलो चमका, चमका की नहीं, यस सर, यस सर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर, किसी कॉन्स्टेंट रेडियस में मूव कर रहा है, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज वेरिंग विद द टाइम, यानी कि ए सी को दे रखा है कितना, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, एंड के इज कॉन्स्टेंट, द पावर डिलीवर्ड बाई द पार्टिकल, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताओ पावर क्या होता है, एफ इंटू वी, भाई एफ डॉट वी होता है ना, तो क्या मैं इसको एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, yes, चलो ठीक है, एफ इंटू वी, छोड़ो छोड़ो, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है इतना ही, ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन ये आ गया, एक्सेलरेशन ये तो दिया हुआ है ना, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, v के टर्म में, अभी बताया ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, f इक्वल v स्क्वायर ओवर r, अदर सेंट्रीपिटल फोर्स जब निकालते थे तब f इक्वल टू m ac करते थे, m ac का मतलब m v स्क्वायर ओवर r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तो ये होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलग रखो जरा, v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर r को इधर ले जाओ r स्क्वायर t स्क्वायर, बोलो तो यहां से क्या कर दूं, v इक्वल टू k r t इक्वेशन 1, कोई दिक्कत किसी को, क्या बेटा, r स्क्वायर r को इधर भेज दिया ना, तो r स्क्वायर हो गया, अब मैंने दोनों साइड में अंडर रूट ले लिया, दोनों साइड अंडर रूट लिया, तो v इधर हो गया, इधर तीनों के ऊपर से स्क्वायर हट गया, कोई दिक्कत, नो सर, नाउ मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, at इक्वल टू क्या होता है, dv ओवर dt होता है कि नहीं होता है, अब dv ओवर dt इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, k into r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, k into r, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, नाउ फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए टी, एम क्या है मेरा पता नहीं, मतलब मास तो पता ही नहीं, एम ए टी क्या है मेरा, के इंटू आर, तो ये मेरा आ गया फोर्स, और वेलोसिटी मेरे को पता है ना, वेलोसिटी देखो, फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, इक्वेशन टू में वेलोसिटी पता है, इक्वेशन वन में फोर्स पता है, क्या मैं पावर निकाल सकता हूं अब, yes, सर, पावर क्या है मेरा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स क्या है मेरा, एम की आर इंटू वेलोसिटी क्या है मेरा, के आर टी, अब इनको जरा ध्यान से लिख दो, के स्क्वायर कैसे लिखिया इसने, उसने किया है एम पहले लिया है, एम एम के इंटू के, के स्क्वायर आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू टी, तो ये आ गया आपका पावर, जरा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, बोलो चमका,
अब हम आते हैं 15th question पर. क्वेश्चन नंबर 15 को जरा ध्यान से देखो. अ स्टोन ऑफ 1 kg टू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 by 3 meter इज व्हर्लिंग इन अ वर्टिकल सर्किल. देखो उसने बोला है, आपको याद हो तो माना कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो. मैक्सिमम टेंशन कहां पे होती थी, नीचे ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? ए पॉइंट पे सर. ए पॉइंट. देखो यहाँ पे क्या होता था, एम जी मेरी नीचे लगती थी, यहीं पे मेरा लगता था एम वी स्क्वायर ओवर आर नीचे की तरफ, टेंशन इधर लगता था. इधर क्या था, इधर मेरा एम जी लगता था, बी को इधर बना देता हूँ, इधर लगता था मेरा एम वी स्क्वायर ओवर आर, ऐसा ही था ना? यस सर. और टेंशन भी इधर लगती थी, तो आपको दिख रहा है कि मेरा टेंशन इधर ज्यादा होगी क्योंकि टेंशन के अपोजिट में एम वी स्क्वायर भी है और एम जी भी है. तो अगर मैं बोलू तो मिनिमम यहाँ पे होगी और मैक्सिमम यहाँ पे होगी, आपको बताया भी था ये. तो टी मैक्सिमम टी मिनिमम अगर मैं लिखूं क्या आएगा, टी मिनिमम कितना आएगा, टी मिनिमम कितना आएगा भाई, टी मिनिमम कितना आएगा जी? देखो टी मिनिमम की अगर बात करूं तो एम वी स्क्वायर एम वी बी बोल दो, चलो बी पे है ना, तो बी बी यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी. एम वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस के एम जी, यही होगा टी मिनिमम. और टी मैक्सिमम एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी, यही होगा. अच्छा यहाँ पे इससे पहले आप एक काम करो, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओ. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगाओगे, यहाँ की जो टोटल एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी थी और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी. एक बात बताओ, दोनों काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलू कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बताओ. ऑब्जेक्ट मूव करके गया, यहाँ पे पहुंचा, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ी, काइनेटिक कम हुई, मतलब होगा तो इस टोटल एनर्जी के ही इक्वल. तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या, मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, क्या ये समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, जी इंटू एच क्या होगा मेरा, आर ये है, आर ये है, क्या टू आर होगा, होगा कि नहीं टू आर? यस सर. ये क्या हो जाएगा, टू आर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी का स्क्वायर. तो देखो एम 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 ये टू है, टू को क्या करो इसके साथ भेज दो, इस टू को भी इधर भेज दो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका टू टू, ये वाला आ गया, टू ये वाला आ जाएगा, तो फोर जी आर प्लस वी बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वी ए का स्क्वायर इक्वल टू फोर जी आर प्लस वी बी स्क्वायर. इतना क्लियर? सर रिपीट करना. हाँ ओके. देखो काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये लिख दिया हमने, और जो एच होती थी यहां से लेके यहां तक टोटल हेड क्या है मेरा, आर ये है, आर ये है, ये सबका सेंटर है वो, तो टू आर हो गया, टू आर लिख दिया प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर. तो हमने देखा कि एम एम से कैंसिल हो गया, तो ये टू है, इसके साथ भी टू है, तो हमें इसमें अगर टू का मल्टीप्लाई कर दू, चलो ये कर लो, इसमें वन बाई टू का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें टू का मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, टू का डिवाइड कर दिया, टू का मल्टीप्लाई कर दो, देखो वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू कैंसिल हो गया, तो टू इसके साथ बचेगा, टू बचेगा इसके साथ, तो टू इंटू टू फोर जी आर प्लस यहाँ पे क्या बचा, वी बी स्क्वायर बचा, तो वी ए की वैल्यू मेरे को ये मिल गई. कोई दिक्कत किसी को? नो सर. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बात बताओ उसने क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन, यानी कि टी मैक्स डिवाइडेड बाई टी मिनिमम इक्वल टू टी मैक्स बाई टी मिनिमम, या फिर मैं बोलू सर एक काम करते हैं कि उसने दे रखा है कि टी मैक्स इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ टी मिनिमम, क्या यही दे रखा है, तो रेशियो ऑफ टी मिनिमम टी मैक्स हो जाएगा ना फोर. कोई दिक्कत किसी को? ना सर. हाँ तो इसी को यूज कर लो जरा,
टी मिनिमम, सॉरी टी मैक्सिमम लिखा है ना, एम वी ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एम वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस के एम जी। अब देखो वी ए की वैल्यू, वी ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो इसको रख दो यार, एम अपॉन आर फोर जी आर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी इक्वल टू फोर का मल्टीप्लाई कर दो यार, फोर एम वी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस फोर एम जी। तो अब देखोगे इधर इधर इन सब का मल्टीप्लाई वगैरह करो तो इधर आ जाएगा फोर एम जी आर, देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फोर एम जी बचेगा ओनली, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा ना इसका, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई करो जरा एम वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी इक्वल टू फोर एम वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस के फोर एम जी। कोई दिक्कत किसी को अभी तक बताओ? नो सर। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? ठीक है, देखो m इसे 4mg को इधर लाओ तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 4mg 4mg प्लस mg क्या 9mg हो जाएगा? यस सर। 4mg प्लस mg 5mg हो गया, 5mg प्लस इस 4mg को इधर लाओ 4mg इक्वल टू 4mg mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाय r है, 4mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस, इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा ना, एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखो यहां से क्या बचेगा, थ्री बचेगा, यहां से बचेगा नाइन, नाइन एम जी इक्वल टू थ्री एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आप देखो एम से एम कैंसिल कर दो पहले, तो फिर थ्री से नाइन को कैंसिल करो कितनी बार, थ्री बार, थ्री टाइम्स, तो हमारा क्या आएगा, आर को इधर भेज दो, आर को इधर भेजो तो हमारा क्या आएगा, वी बी इक्वल टू अंडर रूट में थ्री जी आर आएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई बताओ? नो सर। आर हमारे को क्या दे रखा है, 10/3 meter, 10/3 meter आर दे रखा है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो बस। तो अब देखोगे अंडर रूट में 3 × 10 × 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10 × 10 क्या आया, 10 meter per second vp, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके ओके देन, चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत फास्ट किया तब जाके पेपर सॉल्व हो पाया फाइनली, अरे थोड़ा पहले भी हो गया। ठीक है फिर, ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय एवरीवन, बाय।